गाइस, मैं इंजीनियर शरद, टेक्निकल सेल्स हेड ट्राइसन एनर्जी। आज हम आए हैं इंजीनियर अवेश के साथ, जो कि डिजाइन एंड कमीशन इंजीनियर है ट्राइसन एनर्जीज में। यहाँ पे हम एक साइट पर आए हैं जहाँ पे हमने L2 स्ट्रक्चर लगाया है 545 वॉट, जिनको के 10 पैनल्स लगाए हैं, जो कि हमारा 5.4 किलोवाट सिस्टम बनता है। और 5KTL हुआवे का इन्वर्टर लगाया है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया है, पैनल टू पैनल अर्थिंग की है और AC अर्थिंग भी की है पिट बना के, और स्पीडीज लगाया है, DC AC ब्रैकेट्स लगाया है जो कि चिंट के हमने लगाया है, स्पीडीज हमने स्नाइडर के लगाए हैं, और 4mm का हमने DC केबल यूज़ किया है। इसके अलावा जो है हमने AC केबल जो है हमने पाकिस्तान केबल यूज़ किया है। अगर आपको सोलर लगाना है, सोलर के मतलब कोई भी क्यूरी है या सोलर के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो यू कैन रीच मी आउट इन माई चैनल, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन कर सकें। अब देखते हैं इसके सिस्टम के प्राइस क्या है। ये सिस्टम में आप देखें, हमने जिनको 545 वोल्ट के अगर 10 पैनल लगाते हैं, और इसके अलावा सोफार का 5KTL इन्वर्टर या हुआवे का लगाते हैं, रूफ माउंटिंग यानी GI मटेरियल का जो है हम लोग रूफ माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं, सिविल पैड्स यानी कंक्रीट का लगाते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा है, अर्थिंग हम इसमें शामिल है, इसके अलावा पैनल टू पैनल अर्थिंग शामिल है, AC केबल इसमें शामिल है, DC केबल शामिल है, सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस शामिल है, DC AC ब्रेकर शामिल है, नेट मीटिंग प्रोसेसिंग तमाम चीज़ें शामिल है। इस सिस्टम की कीमत बनती है सोफार के इन्वर्टर के साथ, जिसकी वारंटी 5 साल है, जो कि 7,15,000 से 7,50,000 तक आपको पड़ सकता है। इसके अलावा हुआवे के इन्वर्टर के साथ 7,70,000 से लेके 8,00,000 तक ये सिस्टम आपको पड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है, पैनल की जो वारंटी होती है वो 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है और 25 ईयर्स की लीनियर आउटपुट की वारंटी होती है। इन्वर्टर की वारंटी सोफार की 5 साल की वारंटी है और हुआवे की 10 साल की वारंटी है। अब चलते हैं सिस्टम में, ये जो सिस्टम है ये आपको क्या क्या घर में चला सकते हैं ये इस सिस्टम से। अभी यहाँ पर हमने KEK उसमें जाके हमने लोड कैलकुलेट किया है। ये बेसिकली आपको यूनिट्स बना के दे रहा होता है, 25 से 27 यूनिट्स बना के दे रहा होता है। यहाँ पे मैंने जो चीज़ कैलकुलेट की है ये देखें, लाइटें सबसे पहले आप जो है LED बल्ब चलाएंगे 5-12 घंटे के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने AC, हमने दो इन्वर्टर AC 110 के दो इन्वर्टर AC हमने 8 घंटे के लिए चलाया है। इसके अलावा जो है फ्रिज, हमने एक जो कन्वेंशनल जो फ्रिज है वो एक यूज़ किया है 19-20 घंटे के लिए, उसको चलाया है, तो वो तकरीबन देखो आप जैसे लोगों को घर में इन्वर्टर फ्रिज है आजकल, अगर मैं कन्वेंशनल फ्रिज भी लगा देता हूँ तो अगर मैं 19 घंटे के लिए एक फ्रिज चला रहा हूँ तो वो इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर या LED कोई होगी, लैपटॉप होगा, एक एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम करें तो आप इसको हम तकरीबन भी 6 घंटा हम अगर देख देते हैं तो देखें इतने यूनिट्स ये कंज्यूम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल आपने फ़ैन अगर हम देखें तो फ़ैन मैंने 4 फ़ैन लगाए 18 घंटे के लिए, 4 फ़ैन चलेंगे आपके, और ये तमाम जो चीज़ें हम लगाने के बाद जो है ये 25.620 यूनिट्स आपकी टोटल 24 घंटे की कंजम्पशन है। मगर जो सिस्टम मैंने आपको बताया है वो सिस्टम आपको बना के देगा 25 से 27 यूनिट्स या 28 यूनिट्स बना के देगा, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने पैनल कितने क्लीन रखे हुए हैं और आपकी जिस कंपनी ने इंस्टॉल किया है पैनल उसने कितने अच्छे तरीके से आपके पैनल्स को इंस्टॉल किया है, क्या एंगल रखा है, ट्रू साउथ पे रखा है या नहीं रखा है, और कोई शेड तो नहीं आ रही है, तमाम चीज़ें जो है ना डायरेक्टली वो करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं आपके प्रोडक्शन को। तो ये कीमत थी और क्या क्या चला सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, आपके पंखे चलेंगे 4, सीलिंग फ़ैन चलेंगे 18 घंटे के लिए इस सिस्टम में, इसके अलावा कंप्यूटर और एक कंप्यूटर चलेगा तमाम एक्सेसरीज के साथ, एक लैपटॉप चलेगा 6-6 घंटे के लिए, और यानी अमूमन हम इतना ही चलाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाते हैं। और आपकी LED लाइट्स चलेंगी तकरीबन 5-12 घंटे के लिए। इसके अलावा जो है आपके AC चलेंगे 1 टन के, जो है 2 AC अगर चलेंगे ये तकरीबन आपके 8 घंटे चलेंगे आपके AC, और आपका फ्रिज जो है 19 घंटे चलेगा, बाकी वो जो है एक दफ़ा वो ठंडा हो जाता है ना उसके बाद जो है वो पावर कम ले रहा होता है, तो फ्रिज आपको एक फ्रिज चलेगा 19 घंटे के लिए। इसी तरह कंप्यूटर एक्सेसरीज का भी मैंने बताया, ये तमाम लोड और प्राइसिंग ये है, ये पूरा BOQ है, इस BOQ के साथ ये प्राइस वेरी कर सकता है। ये प्राइस जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ GST, इस वक्त GST 0% है और कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, तो ये प्राइस आ रहे हैं। अगर कोई पहले टैक्सेस वगैरह थे तो जो है
वो प्राइसेस ज़्यादा थे इसकी, तकरीबन ये एक 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 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इससे अबव आप ही कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो जी आई है, अगर आप एमएस मटेरियल का एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा दें तो उसके पैसे एड हो जाते हैं। तो ये तमाम आपने चीज़ें जो है ना देखनी है कि इसमें प्लस माइनस हो सकता है इस कोटेशन में। तो फिलहाल मार्केट में ये रेट चल रहे हैं इस सिस्टम के, क्योंकि मैं सोलर इंडस्ट्री में खुद काम करता हूँ। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।